साल पहले यहाँ पे एक जग हुआ था, बहुत ही मतलब कहिए तो विश्व प्रसिद्ध जग हुआ था। फोन खा लिया यार, अंदर में बाहर जाओ। देखिए आज है पूर्णिमा, और पूर्णिमा के साथ साथ आज कुछ और भी है, वो हमको पता नहीं है क्या है, पर आज के दिन एक रीति रिवाज को लोग मनाते हैं, एक परंपरा को लोग फॉलो करते हैं, वो है क्या, नदी नहाने का। और लोग से पूछिए कि आज के दिन नदी नहाने क्यों जाते हैं, तो वो लोग कहेंगे कि पाप धुलने जाते हैं। जो ज़्यादा पाप करते हैं वो गंगा नहाने जाते हैं, और जो थोड़ा कम पाप करते हैं हम लोग की तरह, वो ऐसे ही किसी छोटे नदी में आके नहा लेते हैं, समझे कि नहीं। तो बढ़िया चीज़ है, जाना चाहिए। देखिए पाप धुलने वाला बात तो एक बहाना था, नदी नहाने जाना चाहिए। और जहाँ तक बात रहा गंगा नदी नहाने का, तो हम जाते गंगा नदी ही नहाने जाते, पर देखिए क्या सिस्टम है ना, मेरे गांव का भी जो नदी है देख रहे हैं, गंगा नदी से कम नहीं। अभी आपको भीड़ यहाँ पे कम दिख रहा होगा, पर अभी एक घंटा पहले आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको खड़ा होने का जगह नहीं मिलता, समझे। गंगा नदी का जहाँ तक बात रहा, तो गंगा नदी जाने का ऑफर मिला था कि चलिए गंगा नदी चलते हैं, तो ज़्यादा तो पाप किए नहीं थे, सो जाएँ गंगा नदी। और वैसे भी देखिए गंगा नदी पहले जैसा गंगा नदी नहीं रह गया है, समझे कि नहीं। क्या है कि उसमें इतना कचरा है, इतना फैक्ट्री का कचरा, आदमी सब खुद का कचरा फेंकता है, गंदगी फैला के रख दिया हुआ है, पूरा एकदम गंदा कर दिया हुआ गंगा नदी को। उसमें नहाने से देह तो साफ़ होगा ही नहीं, और वैसे भी देखिए मान लीजिए कि देह साफ़ हो जाएगा, तो देह तो साफ़ कर लीजिएगा, पर आत्मा कहाँ से साफ़ कीजिएगा, मन कहाँ से साफ़ कीजिएगा, है कि नहीं। ये कहावत नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो देह तो साफ़ करने के लिए कर लीजिएगा, पर आत्मा कहाँ साफ कीजिएगा। मन मन में गंदगी भरा हुआ है, गलत गलत बात सब सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, और आत्मा साफ़ रखिए, मन तो साफ हो ही जाएगा। देखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सभी लोग अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पाप जरूर करते हैं, चाहे वो जानबूझ के, चाहे वो अनजाने में, जान से चाहे अनजाने से, समझे कि नहीं। इसीलिए जाना चाहिए। देखिए सब पाप उबला बाद इस समय कोई झूठ फूस का बहाना है, नदी नहाने जाइए, बढ़िया है। देख रहे हैं कुछ लोग अभी नहा के जा रहे हैं, औरत लोग है, बच्ची लोग है, लड़की लोग है, लड़का लोग है, सब है, औरत मर्द बच्चा बुढ़वा सब कुछ है, समझे कि नहीं, सब कुछ मतलब सब लोग है। ठंडा तो लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं, आए हैं तो बिना नहले तो जाएंगे नहीं, आपने एक डुबकी लगा। फोन खा लिया यार, अंदर में बाहर जाओ यार, फोन लेकर आई छोड़े यार, खराब हो जाएगा। हाँ चलो चलो चलो, हो गया हो गया हो गया, चलो चलो। नहाने के लिए तो नहा लिए हैं, पर ये हुआ है झूठौका स्नान, घर पे होगा सचौका स्नान। क्या है कि इसमें मतलब आपको, आप लोग नहीं बता पहले कि नदी का स्थिति बहुत ख़राब हो गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी था, घर पे जाके बढ़िया से नहाएंगे, समझे कि नहीं। और अब चलते हैं, बहुत नहा लिया। और इधर देखिए बगल में है मठ है, यहीं पर राम नाम का जाप हो रहा है कंटिन्यू, और बहुत साल पहले यहाँ पर एक जग हुआ था, इधर से नहीं, बहुत साल पहले यहाँ पे एक जग हुआ था, बहुत ही मतलब कहिए तो विश्व प्रसिद्ध जग हुआ था, मतलब कहाँ ना कहाँ से उसमें लोग आया था, बहुत दूर दूर से उसमें लोग आया था, समझेंगे, लाखों की जनसंख्या में, लाखों की संख्या में उसमें में भीड़ हुआ करता था मेरे गांव में। और हम लोग फिर से चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक जग हो जाए उसी जैसा, तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन चलिए कोई नहीं, अगर होगा तो दिखाएं। तो चलिए आखिरकार कैसे भी करके फ्रेश हो गए, फ्रेश तो सुबह में हो गए थे, कहने का मतलब कि नहा वहा के रेडी हो गए, समझे। और देखिए बहुत दिन से नहा नहीं रहे थे, समझे, सेंट मार मार के काम चला रहे थे, मारी मारी के घुमा पूरा गुआ राजा जी। और बीच में मेरा बर्थडे भी था, बर्थडे के दिन भी नहीं नहा पाए थे, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लगता है, समझे कि नहीं, ठंडा बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, तो ठंडी में ही सेंट का असली कीमत पता चलता है, समझे कि नहीं। मार लेते थे, किसी को पता नहीं चलता था कि नहाया है कि नहीं नहाया है, सबको लगता था कि नहाया है, समझे, और बढ़िया चीज़ है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब चलते हैं खाना बनाने। आज खाना में बना लेते हैं आलू और गोभी का दम, दम दमा दम दबा के खाएंगे दम। और क्या, 12 बज गया है, 2 बजे तक बनाएंगे, 3 बजे तक खाएंगे, और 4-5 बजे तक सोएंगे, उसके बाद सोएंगे, फिर तबीयत ख़राब कर लेंगे, उसके बाद फिर दवाई खाएंगे। दो चलिए बनाते हैं खाना, ये सब झूठ फूस का ज़्यादा बकैती नहीं करना चाहिए।
अभी तो आलू फ्राई कर रहे हैं और अभी जस्ट थोड़ा देर पहले इधर गोभी फ्राई किए हैं। देखिए क्या कलर, एकदम मस्त लग रहा है। और इधर प्याज भी काट के रखे हुए हैं और इधर आधी लहसुन भी कूच के रखे हुए हैं। चावल तो रेडी हो ही गया है और बनाते हैं दमादम और खाते हैं दमादम। आज का सब्जी देखिए क्या कलर है भाई, आहा, देखने में जितना बढ़िया लग रहा है ना, इसका सुगंध भी उतना ही बढ़िया है लग रहा है। आज का सब्जी बढ़िया बना है, खाने में मज़ा आएगा समझे। तेल रख दिए हैं 5-6 किलो, 5-6 किलो, और इधर है चावल, आहा, चलिए खाते हैं। वाह क्या खतरनाक सब्जी बना दिए थे आज। हमको तो लगा पहले कि कहीं जल गया होगा, पर ना, सब्जी बहुत बिजोर बन गया था, बहुत ज़्यादा बिजोर। और देखिए चावल खा लेते हैं तो नींद आने लगता है समझे, और ठंडी में सोना नहीं चाहिए, सोते हैं तो तबीयत खराब हो जाता है।